शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया जमकर हंगामा, कॉलेज गेट पर जड़ा ताला। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी प्रचार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए कॉलेज के घेराव को देखते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा सहित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित छात्रों को शांत कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पशुपति पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 से यहां प्रभारी प्राचार्य बी के अग्रवाल हैं। जब से उनकी यहां पदस्थापना हुई है तब से कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कॉपियाँ स्कूल के शिक्षकों से जाँचवाई जा रही है, जबकि कॉलेज के प्रोफेसर से काफ़ी चेक कराई जानी चाहिए। बताया गया है कि संबल और मेधावी छात्र योजना की राशि बीते अप्रैल माह से कॉलेज में आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उन छात्रों को उनका हक अब तक नहीं दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक द्वारा बताया गया कि ऐसे और अन्य कई मामले हैं जिनको लेकर आज कॉलेज का घेराव किया गया है। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने जमकर कॉलेज प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी की है। आज यहाँ हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे महाविद्यालय में आज ये 2017 से यहाँ पे पदस्थ है, तब से लेकर के आज 2024 तक जितनी भी पेंशन योजना और ये जो यहाँ के प्राध्यापक है उनकी जो पेमेंट आती थी तो एक चालू खाता महाविद्यालय में होल्ड करते थे ये करोड़ों, और उसकी ब्याज आती थी तो फिर ये 3-4 महीने बाद उसको प्राध्यापक जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके खातों में भेजते थे। दूसरी यहाँ की है कि यहाँ पे जो संबल और मेधावी योजना है तो उनकी राशि यहाँ पे अप्रैल महीने से आ चुकी है महाविद्यालय खाते में, लेकिन अभी तक इन्होंने छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि नहीं भेजी है। इसका एक घोटाला यहाँ पे सामने आया है। तीसरा घोटाला यहाँ पे सामने आया है कि इन्होंने RGPB के द्वारा जो यहाँ पे कॉपियाँ चेक करने के लिए दी जाती थी तो 2017 से ये कॉपी स्कूल के शिक्षकों से चेक करवा रहे हैं, जबकि वहाँ की गाइडलाइन में साफ दिया गया है कि जो महाविद्यालय में 3 वर्ष से अध्ययनरत प्राध्यापक हैं जिनका अनुभव है उनसे ही ये कॉपी चेक करवाएं, लेकिन इन्होंने तब से लेकर के आज तक और हमारे कार्यकर्ता RTI लगाते हैं उसका भी जवाब देने को ये तैयार नहीं है। हमारे विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं तो इनका अड़ियल स्वभाव है, ये शांति से बैठ करके और हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मांग है, ये जो वहाँ कुलपति अभी करोड़ों के घोटालों में वो हुए थे तो उनकी निलंबित हुए थे तो वो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई, लेकिन आज तक महाविद्यालय में किसी भी छात्र ने उनको नहीं देखा। अभी प्राचार्य महोदय खुद बोल रहे थे कि उस टाइम पे कॉलेज बंद था और वो यहाँ आए ही नहीं, वहीं भोपाल से उनकी ज्वाइनिंग यहाँ करा दी गई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, यहाँ पे बहुत करोड़ों के घोटाले हैं जिनको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे आंदोलन करने आया है और माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री भोपाल के नाम ज्ञापन करेगा। अभी कमिश्नर साहब को भी सूचना कर दिया है, SDM साहब आए हैं ज्ञापन लेने। ऐसे हम लोगों की मांग है और यदि हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती तो यहाँ हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए बात दोंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की एवं शासन प्रशासन की होगी। अभी प्रशासन से हमारी चर्चा हुई स्कॉलरशिप और RTI और जो वहाँ के कुलपति का निलंबन यहाँ ज्वाइनिंग तो उसको लेकर के, तो यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बी के अग्रवाल उसका वो कोई भी उचित ठीक ठीक आंसर देने के लिए तैयार नहीं है और देने की अवस्था में नहीं है। ये आज इंजीनियरिंग कॉलेज में ABVP संगठन के द्वारा पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें से उनकी द्वारा एक RTI लगाई गई है, उस RTI का जवाब चाहते हैं वो, और प्लस जो प्रोफेसर सुशील कुमार यहाँ पर आए हैं ज्वाइनिंग के लिए उनके ज्वाइनिंग के संबंध में जानकारी चाहते हैं कि वो उन्होंने कब ज्वाइनिंग की और किस रास्ते वो यहाँ रीवा में आए थे। वो शासन स्तर से अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो उसी स्तर पर जवाब दे सकता है। इसके बारे में हंगामे की स्थिति का तो हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था, ना तो इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्म किया पहले से, अब कोई अचानक ही आ जाए तो कोई क्या करे, है ना। लेकिन हाँ, इनके जो भी मुद्दे थे उनके सबके जवाब हैं, बाकायदा समय तो दें, ये कहते इसी वक्त जवाब दीजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। RTI लगाई सकती है, RTI का जवाब जा चुका है, उसको दोबारा एक कॉपी देने को हम तैयार हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं है। VC एक दिन के लिए 24 मई को आए थे यहाँ ज्वाइन करने, अब वो किस माध्यम से आए, कौन सी कार से आए, ये तो मेरा मुद्दा नहीं है भाई, मैं वही उनको समझा रहा हूँ।
ट्रेन से आए काहे से आए, वो कह रहे हैं नहीं आप प्रूफ दीजिए। भाई मैं कहाँ से प्रूफ दे दूँ? वो ये उनको शासन ने यहाँ पे सस्पेंड करने के बाद वो किया, अटैच किया रीवा, वो ख्याल है उनका रीवा किया गया। तो 24 मई को रीवा आए थे एक दिन के लिए, उसके बाद वो दो बार और आए हैं एक एक दिन के लिए बस। और उसके बाद हमने शासन को लिख दिया कि ये मुख्यालय पे नहीं रहते। शासन से पत्र आ गया है कि बिना मुख्यालय के रहे इनको निर्वाह भत्ते का कोई भी कार्रवाई न की जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो उनको आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ एक पैसे का भी। फंड कोई भी होल्ड, इनका कहना है कि 8 महीने होल्ड करके 45 लाख रुपए प्रिंसिपल ने डकार लिए, ये आरोप है ना। मैं इस पर खुद जवाब दे रहा हूँ। एनपीएस की राशि जो है यहाँ करंट अकाउंट में रखी जाती है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता। इनका कहना है कि आप ब्याज खा जाते हैं, उसको राशि को जानबूझ के होल्ड करके उस राशि का लाखों रुपए ब्याज जो है आप खा गए, इनका ही कहना है। 88-85 मद में जो पैसा आता है शासन से, वो कभी कभी 3-3, 4-4 महीने में लेट हो जाता है। इस कारण सैलरी में लेट होता है, सैलरी में लेट होने से एनपीएस में लेट होता है। शासन ने इसके लिए जवाब जांच बैठा दी है और राजस्व आयुक्त यहाँ रीवा के जो वो हैं कमिश्नर, उनने भी एक जांच बैठा दी। अब शासन स्तर से इतनी बड़े लेवल पे मेरी जांच जब हो रही है इस मुद्दे पे, तो मैं वो ये कह रहे हैं मुझे अभी जवाब दो। अभी कैसे जवाब दूँ? उस जांच का जो प्रतिवेदन मैं उनको भेजूंगा, वो इसकी कापी इनको दे दूंगा।